हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक चैप्टर पॉलीनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पॉलीनोमियल को पढ़ने से पहले हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ax² + bx + c। तो ये जो कांस्टेंट यूज हुए हैं abc, और वेरिएबल के प्लेस पे यूज हुआ है x। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। x^(1/2) 5x + 7। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं वेरिएबल के प्लेस पर x है और बाकी कांस्टेंट 1, 5, 7 है। तो इसको भी कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जो वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, अगर वेरिएबल के पावर होल नंबर है हर प्लेस पर तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे आजर कर पा रहे हैं, देखिए वेरिएबल एक्स है ना, तो यहाँ पे होल नंबर है 2, यहाँ पे एक्स है, तो वेरिएबल के पावर होल 1 है, यहाँ पे नहीं है वेरिएबल, यानी कि x^(0) है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पावर होल नंबर है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। देखिए, दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह यहाँ पे फेल हो जा रहा है। क्यों? देखिए, यहाँ पे पावर 1/2 हो गया ना, 1/2 होल नंबर तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसकी वजह से यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वह पॉलिनोमियल नहीं हो पाया। तो आप यह देखिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर जगह वेरिएबल के पावर होल नंबर हो जाए तो उसको ही कहते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए, डिफाइन करते हैं हम लोग। इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन a^(x^(n) + a^(x^(n-1) + a^(x^(n-2) + ...। तो देखिए, यहाँ पे जो x के पावर ये लिखे गए हैं ना, यह जो पावर है वह होल नंबर होने चाहिए, और साथ में यह जो a^(a^1, a^2, ...... है, यह सभी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के पावर्स हैं वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, हाँ, लेकिन सभी पावर होल नंबर होने चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। और जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे मेंशन किया गया है n, उसको कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल के पावर अगर होल नंबर ही है हर जगह तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल, और जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल के उसको हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग यह देखेंगे कि डिग्री की बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसको क्या कहेंगे, 1 है तो उसको क्या कहेंगे, और ऐसे ही 2, 3 है तो क्या कहेंगे। देखिए, अगर कोई वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने कोई कांस्टेंट लिखा 7, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर यह पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी डिग्री क्या है? तो देखिए, 7 को आप तो लिख सकते हैं ना, 7x^(0)। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया। तो ये जो हाईएस्ट पावर है फिलहाल यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि 7 एक पाइनोमियल है जिसको हम लोग कांस्टेंट पाइनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री कितनी है, 0। अब देखिए, इसी तरीके से कोई भी कांस्टेंट पाइनोमियल लेंगे तो उन सबकी जो डिग्री होगी वह कितनी होगी, 0। हाँ, लेकिन यह ध्यान दीजिए, 0 को छोड़ करके 0 एक कांस्टेंट पाइनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब ये कहेंगे क्यों? तो अब देखिए, 0 को आप तो लिख सकते हैं ना भाई, 0x^(0), तब तो कह देंगे डिग्री 0 होनी चाहिए। 0 को आप लिख सकते हैं ना, 0x^(1), तब तो कहेंगे भाई इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। 0 को लिख सकते हैं 0x^(2), तो कहेंगे इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। इसका मतलब एक ही एक्सप्रेशन है और एक ही पॉलीनोमियल है, उसकी डिग्री कई हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से 0 पॉलीनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। हाँ, लेकिन ये ध्यान देंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ हो जहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब डिग्री क्या हो, 1 हो,
तो इसको कहेंगे लीनियर बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 2x + 5, जहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 1। तो जो बाइनोमियल है उसमें अगर हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब उसकी डिग्री 1 है, तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर बाइनोमियल। अब ऐसे देखते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, तो कोई बाइनोमियल ऐसा जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ऐसे बाइनोमियल को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। एग्जाम्पल देख सकते हैं x² + 5x + 3। उसके बाद ऐसे ही कोई पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, मतलब क्या हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2x³ + 5x² + 3x + 1। ऐसे ही डिग्री को बढ़ाते जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के पॉलीनोमियल्स हम लोग को मिलते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस क्लास में कांस्टेंट पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हम लोग को पढ़ना था। अब इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं। तो हम लोग अब यह जानना चाहेंगे कि भाई किसी पॉलीनोमियल का जीरो क्या होता है। तो उसके पहले देखिए किसी पॉलीनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं वह देखते हैं। जैसे अगर यह पॉलीनोमियल है x-1, पॉलीनोमियल तो है, लीनियर पॉलीनोमियल है ना भाई, हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो इसको सिंबल के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं px। क्या लिखते हैं? px। समटाइम्स इसको हम लिखते हैं y। तो देखिए कोई पॉलीनोमियल अगर लिखा हुआ है और उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर वह पॉलीनोमियल जीरो हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि x की जो वैल्यू है वह उस पॉलीनोमियल की जीरो है। जैसे यहाँ पे बताइए x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, अगर हम x यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। y मतलब क्या, यह जो पॉलीनोमियल है मतलब जो px लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। तो हम लोग कहेंगे x = 1, इस पॉलीनोमियल का 0 है। मतलब क्या कि जो पॉलीनोमियल है उसमें x की पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर अगर वह पॉलीनोमियल 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो x की पर्टिकुलर वैल्यू है वह उस पॉलीनोमियल की 0 है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखने पर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब x = 1 इस पॉलीनोमियल का 0 है। अगर हम एक और पॉलीनोमियल यहाँ पर लिखते हैं, जैसे px = x²-4, तो अगर आप यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4-4 = 0, x की वैल्यू -2 रखेंगे, -2² = 4-4 = 0, इसका मतलब x की दो वैल्यू, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -2 रखने पर यह पॉलीनोमियल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 और -2 इस पॉलीनोमियल के 0 हैं। अब उसके बाद देखिए किसी पॉलीनोमियल के 0 का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है, कैसे निकाल पाते हैं वह भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए हम लोग क्लास 9th में यह पढ़े हैं कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए कोई पॉलीनोमियल का ग्राफ अगर खींचा हुआ है और वह x एक्सिस को दो जगह, मतलब क्या हुआ कि किसी पॉलीनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने प्लेस पर कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब देखिए इसके अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक तरीके से कैसे किसी पॉलीनोमियल के जीरो को फाइंड किया जा सकता है। तो तब तक के लिए मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।